Namaskar friends, or welcome back. And I'm sorry, from last 3 days I was not making video because of my health issue. I was not able to make videos for you, but thank you so much for all your wishes. Now I am better, and today I decided to make a video for all of you. So लेट्स एनालाइज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. और आज के सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ हम डॉलर के बारे में भी एनालाइज करेंगे कि डॉलर में क्या लग रहा है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं डॉलर में. तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले निफ्टी से. तो आज देखिए, निफ्टी में एक बहुत अच्छी कैंडल बनी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और आज का सेशन अपने हाईज ऑफ द डेज हाई पे, हाईज ऑफ द डे पे क्लोज हुआ है. तो एक बहुत अच्छी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक है बाज़ार में. और अगर याद होगा आपको, पिछले कई हफ्तों से हम ये बातें डिस्कस करते आ रहे थे कि बाज़ार एक साइडवेज रेंज में है. मैंने आपको ये भी बात कही थी कि आई एम नॉट मच बियरिश ऑन दिस मार्केट, रादर आई एम एक्सपेक्टिंग ए साइडवेज मार्केट. तो हम एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन डे के कैंडल के लो से, और आप देखिए ये साइडवेज बाज़ार मार्केट बाज़ार होल्ड कर रहा है, ये बाउंड्रीज होल्ड कर रहा है बाज़ार. ये लोअर बाउंड्रीज पे आया, उसने बाइंग दिखाई, हायर बाउंड्रीज पे गया, वहाँ से सेलिंग आई. तो अभी यही साइडवेज बिहेवियर बाजार में कंटिन्यू होना चाहिए आगे आने वाले दिनों में भी. तो नो चेंज इन द व्यू, एंड स्टिल वी आर इन टू ए साइडवेज मार्केट. और हमने ये भी कहा था आपको कि जून महीने में बाजार साइडवेज रहने की ही संभावना है. दूसरी बात, अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो आप देखिए निफ्टी बैंक ने इलेक्शन डे का ये लो था उसको थोड़ा पियर्स किया, पिछले लो के आसपास ये जो जोन बनाया था इसी जोन में इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है. आज के दिन में देखिए इसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और बाज़ार वहाँ से पूरा पलट गया. ऊपर की तरफ अगर हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं तो ये जो ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी बैंक का, ये हायर साइड में बाउंड्री है. तो जब भी हम लोअर बाउंड्री पे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम बाइंग करें बाज़ार में और आगे के लेवल्स के लिए, ऊपर के लेवल्स के लिए होल्ड करें. लेकिन एक बात है, ये बाज़ार बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, इसलिए एक बड़ी कैंडल देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाइए कि हम लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं या हम स्विंग बाइंग कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए. आज की जो बाइंग आई थी निफ्टी बैंक में, इस बाइंग को आपने इंट्राडे में ही प्ले करना चाहिए था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट एंड यू वुड हैव प्लेड इट इन टू द इंट्राडे ओनली. तो इस रैली को आपको इंट्राडे में ही प्ले करना है. ऐसे बाजार में जो ये साइडवेज बाजार होता है, देखिए ये साइडवेज बाज़ार की बाउंड्रीज होती हैं और साइडवेज मार्केट में बाज़ार ऐसे मूव करता है. तो जब भी हम लोअर बाउंड्री पे होते हैं हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं, और साइडवेज बाज़ार में विप्सॉस ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस बाज़ार को होल्ड करना रिकमेंडेड नहीं रहता है. हालांकि आज का जो बाज़ार है वो हाईज ऑफ द डे पे क्लोज हुआ, तो हो सकता है कल के सेशन में भी एक गैप अप ओपनिंग मिले 20-30-40 पॉइंट की निफ्टी में, 80-100 पॉइंट की निफ्टी बैंक में. लेकिन एक बड़े दिन के बाद जब बाज़ार में रैली आती है तो उस रैली पे के बाद बाज़ार साइडवेज हो जाता है, ठीक है. तो उसके बाद जब एक बड़ा दिन होता है, एक बड़ी रैली बाज़ार में ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो उसके बाद एक साइडवेज बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है. तो डेफिनेटली आज की जितनी बड़ी रैली कल के दिन में एक्सपेक्टेड नहीं है. कल के दिन में हो सकता है कि बाज़ार ये जो प्रीवियस हाई है 11,900 से लेके 910 तक जाए, गैप अप ओपनिंग के बाद एक थोड़ी रैली आए, फिर गिरावट आए, तो बाज़ार में
एक माइल्ड बुलिशनेस ज़रूर है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट ज़रूर लिया है, लेकिन ये बाज़ार साइडवेज है, इसलिए बहुत रिलायबल बाज़ार नहीं है। आपको जो भी ट्रेड करना हो इंट्राडे में कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और नेक्स्ट डे की प्लानिंग नेक्स्ट डे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान आउट कीजिए, इंट्राडे ट्रेड्स पे फोकस करिए जो बड़ी स्विंग्स आती हैं बाज़ार में। दिस इज़ निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में देखिए 50 डेज से सपोर्ट लिया है, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक है। तो अभी जो इमीडिएट टारगेट है निफ्टी बैंक का स्पॉट में वो 31,040 के आसपास का है, और अगर आप निफ्टी स्पॉट में देखिए तो थोड़ा और ऊपर जा सकती है, 870 के आसपास इसका 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो एक जो रिकवरी आई है इसमें कंटिन्यूशन हो सकता है कल के दिन के फर्स्ट हाफ में, लेकिन क्योंकि बाज़ार साइडवेज है तो बहुत चेज नहीं करें, एक डिसेंट रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग करें और लोअर लेवल्स का वेट करें फिर से री एंट्री करने के लिए, या हायर लेवल्स पे अगर अच्छे सेटअप बनते हैं तो वहाँ पे आप शॉर्ट की भी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे इस दिन भी बाज़ार गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर बाज़ार में एक गिरावट आई, तो कल के दिन में भी हो सकता है बाज़ार गैप अप खुले साइडवेज हो, लेकिन अगर एक गिरावट आती है तो हम वापस इसमें सेल साइड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार फिर भी साइडवेज है और अभी साइडवेज इस महीने रहने की संभावना है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम डॉलर के बारे में देखते हैं, यूएसडी आईएनआर। तो गाइस डॉलर का एनालिसिस करने के पहले आपको बता दूं कि ये yourtradingguide.com का निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन है, और आप में से और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी डॉलर से रिलेटेड जो भी डाउट है, क्वेरी है, कोई पोजीशन है, आप हमें इस नंबर पर 9171166445 पर कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस या टेलीग्राम कर सकते हैं, और हमारे वीकेंड बैच में ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पर संपर्क करें। हमारे वेबसाइट के लिंक, फायर्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे डिस्क्रिप्शन को विजिट करना न भूलें। और डॉलर में देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस चैनल में ही डॉलर मूव कर रही है, आप देखिए डॉलर इसी चैनल में मूव कर रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इसको लोअर एंड ऑफ द चैनल को टच करना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, और अगर यहाँ से ये फॉल कंटिन्यू होता है तो वापस हम इन लोस के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, अब नीचे की तरफ हम वापस इन लेवल्स की रीटेस्टिंग कर सकते हैं। तो डॉलर में गिरावट है, रुपया मजबूत हो रहा है, आज एक रैली भी आई है, आगे कुछ दिनों तक ये बुलिशनेस मार्केट में कंटिन्यू रह सकती है, और तब तक बाज़ार में डॉलर में स्पेशली ये गिरावट जारी रह सकती है। तो ये तो डॉलर में क्या करना चाहिए, अभी अगर हम इसका 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखें तो आप देखिए आज दिन भर ये जो लो था दिन का वहाँ से एक रिकवरी भी आई, लेकिन बाज़ार बाउंस करके फाइनली नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो कल के दिन में अगर आपको डॉलर में एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलती है, थोड़ा ऊपर आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक अभी ये गिरावट डॉलर में जारी रहेगी, और हो सकता है हम वापस से 69.2050 लेवल्स की रीटेस्टिंग देखें। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस, विश यू ऑल सक्सेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।